राजार पर भजनलाल विश्नोई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पृथ्वीराज मीणा को भजनलाल ने जे सीरीज का पेपर दिया था, जिसके बाद पृथ्वीराज ने बत्तीलाल समेत दूसरे लोगों को इसे बेच दिया था। पृथ्वीराज ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को ये पेपर बेचा था। पेपर लीक में सिस्टम से जुड़े किसी व्यक्ति ने भी भजनलाल की मदद की, ऐसी आशंका है। रीट ट्रेजरी शाखा या परीक्षा सेंटर से बाहर पेपर कैसे आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोची अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। भजनलाल की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार तबिश दे रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार सोची की टीम कर चुकी है। भजनलाल के गिरफ्तारी के लिए लगातार तबिश देने का सिलसिला जारी है। रीट कथित पेपर लीक मामले में सिस्टम से जुड़े किसी व्यक्ति ने भजनलाल की मदद की, ऐसा माना जा रहा है। परीक्षा सेंटर से बाहर पेपर लाने में मदद की गई और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि भजनलाल की गिरफ्तारी भी संभव है। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, भजनलाल का नाम आ रहा है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्रवाई को लेकर, और जो कहा जा रहा है कि सिस्टम के भीतर से भी किसी ने मदद की है, तो उसको लेकर किस तरीके से अब जांच हो रही है? देखिए अभिनव, जिस तरीके से लगातार हम लोग इसको लेके खुलासा कर रहे थे और एक के बाद हमने एक जानकारी सामने रखी, अब इसमें बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद में कुछ नाम सामने निकल के आए। आगरा से पृथ्वीराज मीणा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई, तो एक बात साफ हो गई कि नरेगा से जो पृथ्वीराज मीणा है उसने पेपर बत्तीलाल को पहुंचाया था। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर पृथ्वीराज के पास पेपर कहां से आया जी। तो एसओजी ने इसकी पड़ताल की तो भजनलाल विश्नोई का नाम सामने निकल के आया। ये बाड़मेर का रहने वाला है और ऐसी भी जानकारी में सामने आया, हालांकि ये भी पुख्ता इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी में सामने आया है कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले ये गिरफ्तार हो चुका है, किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह पेपर देने ये पहुंचा था। तो इसके जो तार हैं, अब भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद ये तय होगा कि आखिर सिस्टम में कहां सुराग हुआ है, क्योंकि ये लगातार हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर का जो व्यक्ति है वो इसके अंदर शामिल है। तो भजनलाल की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर भजनलाल को ये पेपर कहां से उपलब्ध हुआ था। आशुतोष, बिल्कुल इसी सवाल का पीछा है, सोची भी कर रही है कि आखिर भजनलाल तक ये कैसे पहुंचा, लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई में 19 लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या अब ये माना जाए कि ये जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब जो मुख्य सरगना है या कहें कि जो सफेद पोश चेहरे जो छिपे हुए थे, अब उनके बेनकाब होने का वक्त नजदीक आ गया है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जैसा शुरू में हमने इशारा किया था कि बत्तीलाल की गिरफ्तारी होगी, वो मुख्य केंद्र रहेगा, उसके बाद में दो कड़ी और ऊपर और है। तो अब एक कड़ी पृथ्वीराज मीणा का खुलासा हो चुका है, अब एक कड़ी इसमें और बस्ती है जो एसओजी के सामने बड़ा लक्ष्य रहेगा, कैसे अगर ये व्यक्ति भजनलाल विश्नोई ही है, क्योंकि शुरुआत में ये नाम निकल के सामने आया है प्रमुख तौर पे। अगर भजनलाल को भी किसी बीच में एक और कड़ी है तो उसको एसओजी को लेकर काम करना होगा, लेकिन अगर भजनलाल ही मुख्य सूत्रधार निकलता है तो उसके बाद में सिस्टम ये क्रैक हो जाएगा कि अंदर से या तो परीक्षा केंद्र से ये पेपर बाहर आया है जे सीरीज का, और या फिर जो ट्रेसरा होती है वहां से ये पेपर बाहर निकल के आया है। और इसीलिए जे सीरीज के पेपर के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाने का फैसला किया था एसओजी ने, कि कुल कितने जे सीरीज के जो ये पेपर थे वो प्रिंट हुए, कितने अभ्यर्थियों में बांटे गए, और अगर ये बच्चे हैं तो उनको किस तरीके से रखा गया है इंदाज करके। ये बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर व्यक्ति ने इसको कहीं ना कहीं गायब किया, कहीं ना कहीं बाहर निकाला, क्योंकि जानकारी में आया कि तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास ये पेपर बाहर आ गया था। भजनलाल ने जो पेपर उपलब्ध कराया पृथ्वीराज को 3:30 बजे के आसपास, और तकरीबन 8:32 पे बत्तीलाल ने ये बात कबूली है। तो इस बीच में बत्तीलाल ने तकरीबन 1 दर्जन और पृथ्वीराज ने भी काफी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को ये जो पेपर है, कथित पेपर लीक जो है वो बांटा है। तो उन लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है जिनके पास ये पेपर पहुंचा है, उनको भी एसओजी मुख्यालय बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और संभव होगा तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में भजनलाल की गिरफ्तारी बेहद अहम होगी, क्योंकि उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम का कौन व्यक्ति है, कहाँ से ये पेपर लीक हुआ, इसको लेके तमाम जो अटकलें चल रही थी वो खत्म होती दिखाई देगी। ठीक, चलिए, शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान